लाखों में जा रहा है। तो इन सब के पैसे तो बढ़ रहे हैं मगर चीनी वहां पड़ी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्जा लिए बगैर नहीं बेच सकते, तो क्या करना पड़ेगा, फिर अपना स्टोर लेना पड़ेगा, फिर ट्रक लेना पड़ेगा, किराए पे ट्रक लेने पड़ेंगे, फिर तोड़े लेने पड़ेंगे। तो जिसने तोड़े का धागा बनाया उसका कारोबार चमका। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله فرماتے ہیں ولولا ان يكون الناس امة واحدة، اگر یہ بات نہ ہوتی कि सारी दुनिया एक उम्मत हो जाएगी, दुनिया में या काफिर है या मुसलमान है, ऐसे ही ना, मुसलमानों के कई फिरके हैं और काफिरों की भी कई किस्में हैं। तो दुनिया एक हो जाती का माना यह है कि वो सारे कुफर पर जमा हो जाते। वलौला यकून अन्नास उम्मत वाहिदा, अगर ये बात ना होती कि सारी कायनात एक उम्मत हो जाएगी यानी कुफर पर जमा हो जाएगी, लजअलना लिमन यकफुर बिर्रहमान, अगर इस बात का खतरा ना होता तो जो शख्स रहमान का कुफर करता है हम उनको इतना बात देते, इतना बात देते, लिमन यकफुर बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दा, कि उनके घरों की छतें चांदी की होती। ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، कि उनके घर जब वो बनाते तो शटरिंग करके लोहा पिघला के डालने की बजाय सोना पिघला के डालते, चांदी पिघला के डालते, उनके दरवाजे और बनग और सीढ़ियां सोने और चांदी की होती। मैं ऐसा करना चाहता था कि जितना कोई मेरा कुफर करे, जितना कोई काफर हो, जितना कोई रहमान का कुफर करे, उतना ही उसके पास माल ज्यादा हो और इतना ज्यादा हो कि वो अपने घरों की बिल्डिंग वो सोने और चांदी की बनाए। तो यहां फिर ऐसा क्यों नहीं किया, ولولا يكون الناس أمة واحدة، اس لیے تاکہ ساری دنیا کفر پر جمع نہ ہو جائے۔ اللہ غنی ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کفر پہ جمع ہو گئے، لیکن ہمارا کیا بنتا، ہمارے ایمان پر دس کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اتنا مار نہیں دیا کہ وہ کفر پر جمع ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اتنی بے پرواہ ذات ہے کہ اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ چاہے تو تم سب کو ایک دم لے جائے اور اگلے لمحے میں نئی کائنات بسا دے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔
इंसान को दिया हुआ इख्तियार वापस ले ले, सारे नेक हो जाएंगे, कोई कुफर नहीं करेगा, सब मुती और फर्माबरदार हो जाएंगे। उसने खुद इख्तियार दिया हुआ है ना। तो इस आयत से, इन दो आयत से हमें कुछ असबाक मिलते हैं। वाहिदा, अगर इस बात का खतरा ना होता कि सारी दुनिया कुफर पर जमा हो जाएगी, तो हम जो रहमान का कुफर करे उसको ऐसे घर देते कि जिसकी सीढ़ियां, जिसकी छतें, जिनके बल्ब, जिनके दरवाजे सोने और चांदी के होते। हयात दुनिया, ये दुनिया का साजो सामान है, और आखिरत मुत्तकीन, और आखिरत तेरे रब के पास मुत्तकीन के लिए है। इस आयत से साबित हुआ कि अल्लाह ताला मोमिन के ईमान से मोहब्बत करता है। हब्बब इलैकुमुल ईमान, उसको अल्लाह ने हमारे लिए महबूब रखा है। अल्लाह मोमिन के ईमान को बचाने की कोशिश करता है। नंबर दो, अगर अल्लाह ताला इतना ज्यादा बे इंतहा माल किसी को दे दे तो वो काफिर हो जाता है। अच्छा, जिनको जो कुफर करते हैं उनको इतना माल दे दिया जाता तो फिर मुसलमान भी काफिर हो जाते, जिनको माल नहीं मिला वो भी काफिर हो जाते। वो कैसे कि माल के साथ लोगों का ईमान खरीदा जा सकता है, माल के साथ ईमान खरीदा जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तानी जाते हैं डंकी लगाकर यूरोप जाते हैं, उनकी कहानियां यूट्यूब पर पड़ी हुई है, अगर कोई सुनना चाहे। एक गाड़ी में, एक कार में 20-20 लोगों को भूसे और गन्ने की तरह एक दूसरे के ऊपर लिटा कर लेकर जाते हैं, कुछ डिग्गी में, कुछ आगे, कुछ इधर। किसी का सांस बंद हो जाए और मर जाए, उसको फेंक कर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो क्लेम नहीं है ना, पूछने वाला नहीं। उसके बाद वो आगे जाते हैं, पहाड़ आ जाता है, उससे वो गिर जाए उसको वैसे छोड़कर आ जाते हैं, दफन भी नहीं करते, दफन भी नहीं करते। आगे समंदर आ जाता है, समंदर से गुजारते हैं, जो डूब जाए उसको बोले डूब जा, जो बचे उसको ले जाते हो। फिर वो वहां जाकर आहिस्ता आहिस्ता काम वाम करता है, उनको इतने लाभ दिए होते हैं वो निकालता है। लेकिन अगर इस सब के बगैर किसी को ये कहा जाए कि तुम कादियानी हो जा, तुम्हें हम बाहर ले जाते हैं, मानेगा कि नहीं? तो मईशत जब कमजोर हो जाती है तो फिर पैसे वाला लोगों का ईमान खरीद लेता है। मुसलमान दलील की बुनियाद पर काफिर नहीं होता, लेकिन इस तरह लाखों की तादाद में काफिर हुए। जॉर्ज कॉन्सन था, कौन था पिछले साल वो बरतानिया का वजीर आजम, नहीं जॉनसन बर्क भी होगा, मिशन में जवाब नहीं था वो। उसका जो परदादा था वो हाफिज़े कुरान मुसलमान था, बोरिस जॉनसन, उसका परदादा हाफिज़े कुरान मुसलमान था। उसकी औलाद लिबरल मुसलमान हुई, उसकी औलाद मुल्हद मुसलमान हुई, उसके बाद खालिस ईसाई हो गया। ओबामा, बाराक ओबामा, इसका दादा भी मुसलमान था। तो जो वहां जाता है उसके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, आस्ते आस्ते काफिर हो जाते हैं। तो है पीछे क्या? मईशत, लालच, पैसे की वजह से जाते हैं ना। तो
اللہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے منکروں کو اتنا مال دے دیتا کہ ان کے گھر سونے چاندی کے ہوتے تو ساری دنیا میں کوئی شخص ایمان والا نہ بچتا. اس آیت میں یہ لکھا ہے. اس کا مطلب معیشت کا مسئلہ یہ پیٹ کا نہیں ہے صرف, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. معیشت کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف میں یہ بھی رکھا ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ, کہ جو مسلمان ہے مگر کسی کے لالچ میں آ کر وہ کافر ہونا چاہتا ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے کر اس کا ایمان بچا لو. ایسا ہے ہی نہیں. اسی طرح جو کافر ہے اس کی رغبت اسلام میں ہے, وہ کہتا ہے میں مقبول ہوں, وہ کہتا ہے میرا گھر نہیں چلتا, اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں, تو مسلمان زکوٰۃ سے اس کو دے دے اور مسلمان ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے. تالیف قلبی کے لیے. تو جس طرح پیسے کے ساتھ کافر کو مسلمان کیا جا سکتا ہے, ایسے پیسے کے ساتھ مسلمان کو کافر بھی کیا جا سکتا ہے. بے شمار لوگ قادیانی ہو گئے پیسے کی وجہ سے. جکارتا میں, انڈونیشیا میں, افریقہ میں بے شمار لوگ پیسے کی وجہ سے عیسائی ہو گئے. تو معیشت کا مسئلہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے, توحید اور کفر کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ایک آدمی کے پاس بے انتہا پیسہ آ جائے کہ وہ سونا بھی لا کر چھت ڈال رہا ہو تو یہ جو انتہا ہے یہ کفر کی طرف جاتی ہے. اور جس کا وہ ایمان خرید رہا ہے اس کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں, تو فقیری کے خط سے نیچے جانا بھی کفر کا راستہ ہے, امیری کے خط سے اوپر جانا بھی کفر کا راستہ ہے. یہ آیت یہ بتاتی ہے. اور اسلام کی معیشت وہ فقیری کے خط اور امیری کے خط کے درمیان میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ہم نے تمہیں وسط امت بنایا. اسلام کے معیشت کے بنیادی قوانین یہ ہے کہ کوئی شخص فقیری کی لکیر سے نیچے نہ جائے, تو اس کو بحال کرو. اور چونکہ تصور یہ دیا ہے کہ مسلمان کا مال اپنا ہوتا ہی نہیں ہے, اس لیے امیری کے خط سے اوپر بھی نہیں جا سکتا ہوں. وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میرا مال ہے, وہ سمجھتا میرا مال ہے ہی نہیں, وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کا مال ہے. ویسے ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے غلام ہیں. غلام زر خرید نہیں, ہاتھ سے بنائے ہوئے. اور جو غلام ہوتا ہے اس کی جان اس کی اپنی ہوتی ہے, وہ اپنی جان کا مالک ہوتا ہے. اگر پیسہ کمائے تو کس کا ہوتا ہے؟ تو اس کا مال اور اس کی جان اس کے مالک کی ہوتی ہے. تو جب ہم اللہ کے غلام ہیں تو ہماری جان اور ہمارا مال اللہ کا ہے, ہمارا تو ہے ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس, اس وقت تک بندے کا قدم اللہ تعالی کے دربار سے حرکت نہیں کر سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے. بعض روایتوں میں 3 بھی آتا ہے, ان میں سے ایک یہ ہے عن ماله فيما افناه, نہیں عن ماله کیفا کا اکتسب ہو این انفقا ہو, یہ 2 سوال ہیں. مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا,
मैं अगर अपने माल का मालिक हूं तो मुझे कोई पूछ सकता तूने कहां खर्च किया? तो जब मुझे रब पूछ सकता है तो इसका मतलब वो मालिक हुआ ना, मैं तो ना हुआ। मालिक तो वो हुआ, मैं तो ना हुआ। एक होता सेठ, एक होता मुंशी। मुंशी को पर्ची लेकर देता है क्या, इतने फलाह को इतना दे दो, फलाह को इतना दे दो, 2 लाख उसको दे दो, 4 उसको दे दो। वो देता चला जाता है, फिर बाद में हिसाब करता है कितनी पर्ची आई, इतनी आई, कुल कितना था, इतना, कितना रह गया, इतना, ठीक है। तो मालिक मुंशी को पूछ सकता है, मुंशी मालिक को नहीं पूछ सकता कि तूने पर्ची क्यों लिखी थी। ऐसी है ना? तो हमारी कैफियत, मुसलमान की कैफियत मुंशी वाली है, मालिक वाली ने, इसलिए कि ये रब को नहीं पूछ सकता और रब इसको पूछ सकता है कि तूने कहां खर्च किया। तो इसलिए मुसलमान की मईशत खत्ते गुर्बत से नीचे नहीं जानी चाहिए और ऊपर तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये अपना माल समझते ही नहीं। और अगर किसी लेवल पर इसके दिमाग में ये आ जाए कि मेरा माल मेरा है, तो फिर अल्लाह ताला एक और तरीके से समझाता है, इन्ना अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह ताला ने माल और जान के बदले जन्नत का सौदा किया। अब अगर तू जन्नत का हकदार समझता है तो फिर तेरा माल तेरा नहीं, तेरी जान तेरी नहीं, वो मैंने खरीद ली है, मेरा है, और मेरी जन्नत तेरी है। तो इस हिसाब से भी तू अपने माल का मालिक नहीं, तू निगरान है, मुंशी है। तो इस्लाम की मईशत का बुनियादी नुकता यह है कि वो नीचे जाने से भी रोकती है, ऊपर जाने से भी रोकती है। और जो सरमायादाराना निजाम है, जो कैपिटलिज्म है, वो या गरीब को गरीब तर करती चली जाती है या अमीर को अमीर तर करती चली जाती है। और इस्लाम की मईशत गरीब को बहाल करती है और अमीर को खत से ऊपर नहीं जाने देती, क्योंकि उसका माल तो अल्लाह का है। तो आइए अब देखते हैं कि गरीब को इस्लाम खत्ते गुर्बत से नीचे जाने से कैसे रोकता है। जितने कायदे कवानीन है वो इसकी फेवर में बनाए गए, इस्लाम ने गरीब की फेवर में कायदे कवानीन बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब को गरीब रखा है या वो अपनी सुस्ती की वजह से गरीब है? हाँ? बोलो, कुछ उर्दू आती है, बोलो सर। गरीब सुस्ती की वजह से गरीब है या अल्लाह ने उसको गरीब रखा है? कोई आदमी समझता है कि तालीम से बंदा अमीर हो जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ ना तो वो बहुत अमीर हो जाता है, जबकि हम देखते हैं कि मर्क रियाज जैसे मैट्रिक और उसके नौकर करोड़ करोड़ का महाना तनखा दे रहे हैं, महाना, और बड़े बड़े पढ़े लिखे MBAs और जनरल कर्नल रिटायर्ड हुई, तो वो तो एक प्लंबर था। कराची में एक पठान है, वो एक दिन में 200 गाड़ी बेच लेता है, और जो हमारे 2 गाड़ियां बेचते हैं उसके सामने लाइन में लगे होते हैं, और वो शायद मैट्रिक भी नहीं है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुबई में भी, चिली में भी, अफ्रीका में भी, वो एक ही दिन में 200 गाड़ी बेच लेता है। और जापान गवर्नमेंट उसको ये रिलीफ देती है कि
कि फैक्ट्री से उठाकर तेरी गाड़ियां जहाज तक हम पहुंचाएंगे और तू इसे कोई किराया नहीं लेंगे, इसलिए कि तू हमें बहुत फायदा देता है। ये क्या है? जबकि इसके बावजूद आप देखते हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे भी जॉबलेस होते हैं। अगर मैं आज ऐलान करूं कि मुझे एमएम पढ़े हुए लोग चाहिए तो पीएचडी आ जाएगी, एम फिल आ जाएगी, हमें तो ये गुर्बत ना जहालत की वजह से है, ना बदमेहनती की वजह से है। मजदूर सुबह से आता है, शाम तक 8-10 घंटे काम करता है और लेता है 1000 रुपया, और सेठ आता 11 बजे और इसी कमरे में बैठता है और 2 बजे चला जाता है, बहुत कमाता है। ये गुर्बत और अमीरी अल्लाह के करने से है। अल्लाह तबारक व तआला जब बच्चा 4 माह का होता है, यूसल इलैहि मलकुन बिकत्ब रिज़्क़ी व अमलिही व हजरिही व शकीय्युन अम सईद, फरिश्ता भेजा जाता है जो उसका रिस्क लिख देता है, उसकी उम्र लिख देता है, उसका अमल लिख देता है। जो लिखवा कर लाए वो आपको मिलने, कसम आपने करना है रिस्क उसने देना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। रूटीन ये है कि वालदे शादी करते तो उनको अल्लाह औलाद देता है, लेकिन चाहे तो बगैर शादी के मरियम अलैहिस्सलाम को दे देता है, ये बताने के लिए कि मैं असबाब का मोहताज नहीं। ऐसे ही रूटीन ये है कि बंदा घर से निकलता है काम करने के लिए तो अल्लाह उसको रोटी देता है, घर बैठ कर मुंह खोल कर बैठ जाए तो नहीं मिलती, लेकिन कभी अल्लाह ताला दे भी देता है, मरियम अलैहिस्सलाम को दे दी। तो कसब करना हमारा काम है, रिस्क देना उसका काम, समझ आ रही? हमने कसम करना है अपनी हिम्मत के मुताबिक, सुस्ती नहीं करनी। अल्लाह ने रिस्क देना है अपने लिखे के मुताबिक। तो गरीब अल्लाह ने गरीब खुद रखा है, दलील इसकी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, इससे पिछली आयत है, ये मैंने पहले पढ़ी थी, पिछली आयत है। हमने बाद को बाद पर फजीलत दी, لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, क्या हमारा सुखरिया का हाथ खड़ा करो, लिए तक दबाव हुकुम बाव सुखरिया, कुरान की आयत पूछ रहा हूं मैं, हाँ मजाक, और कोई लिए तक दबाव हुकुम बाव सुखरिया के माना ताकि बाल तुम्हारा बाल को मुसखर करे, अगर जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों में से हर एक के पास कम से कम 10 करोड़ रुपया हो, इससे कम कोई ना हो, नौकरी करेगा कोई? हाँ बोलो, क्या तुम्हें काम करेगा फैक्ट्री में? तो कितना बड़ा अल्लाह ताला का फजल है कि उसने उनको गरीब रखा हुआ है और पहला चल रही, कितना बड़ा फजल है रब का कि रब ने उनको गरीब रखा है और कहना चल रही है,
कायनात को रब ने गरीबों के साथ चलाया है। गरीब ना होते तो कायनात नहीं चलती। मट्टी है ना, जमीन की मट्टी, इसी से इंसान को बनाया ना। इन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुत्फतिन। मट्टी कोई ऐसी होती है जिसमें कोई चीज नहीं उगती, कोई ऐसी होती है सख्त होती है, कोई ऐसी होती है दलदली होती है, कोई ऐसी होती है जिसमें कलर बहुत होता है, कोई ऐसी होती है जो बहुत अच्छा उगाती है। कहीं पहाड़ होते हैं और बिल्कुल वहां घास भी नहीं उगती, जैसे बलूचिस्तान के पहाड़ है, और कोई पहाड़ होते हैं जो मरी की तरह बड़े सरसब्ज खूबसूरत कश्मीर की तरह। और ये जो पहाड़ बड़े खूबसूरत है, यहाँ बड़ी बूटियां उगती है, बड़े दरख्त उगते हैं, बड़े फायदे है। और वो पहाड़ जहाँ घास भी नहीं उगती है, उनके अंदर से सोना निकल रहा है, वहां से चांदी निकल रही है, वहां से तेल निकल रहा है। सहरा है, भूख है, प्यास है, थरपारकर वाले बेचारे, हम कहते हैं बेचारे, मगर वहां पे कोयला निकला है कि पाकिस्तान 5 सदियां इस्तेमाल करे ना पूरे मुल्क की एनर्जी के लिए तो खत्म नहीं होता। और वहां पे जो तालाब है उससे नमक निकलता है, और वहां पे जो मट्टी है उसको प्रोसेस करो तो किलोओं के हिसाब से बिकती है। ये जो आपके वॉशरूम के पॉट वगैरह है उस मट्टी से बनते हैं, गुजरावाला आती है वहां से। तो मट्टी मट्टी होती है, देखने में बेकार लगती है, उसमें कोई और खूबी होती है, इसमें कोई और खूबी, उसमें कोई और खूबी, तो उसी से हम बने हैं। तो किसी में कोई खूबी है, किसी में कोई खूबी, बेकार कोई नहीं। आपको कोई बंदा बड़ा जाहिल नजर आएगा तो वो वजन बहुत उठा सकता होगा, तो ताकत बहुत होगी, वो आप में नहीं होगी। आप 4 दिन बाद बीमार पड़ जाओगे, वो मजबूत रहेगा क्योंकि वो जिस्म को हरकत में लाता है, मेहनत करता है। तो हर मट्टी में कोई ना कोई खूबी है। अल्लाह ताला ने, अब ये बच्चे पढ़ते हैं सुबह, बल्कि पहली क्लास में जो आपके साथ बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, क्या सारे पढ़ सके? कोई 5वीं से भाग गया, कोई 8वीं से भाग गया, कोई 10वीं से भाग गया। अब जाओ तो वो मुलाजमत करता है, कोई मजदूरी करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी हिसाब से सलाहियतें रखी हैं। अब जो चाहो करना उसने नहीं पढ़ना, उसने मजदूरी पढ़ना, क्योंकि रब ने कायनात चलानी है। उसको कायनात चलाने के लिए मजदूर भी चाहिए, पढ़े लिखे भी चाहिए, सेठ भी चाहिए। किसी को सेठ बना दिया, किसी को। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो कि जिसको रब ने, जब रब ने बनाया है, انظر كيف خلق الله على باب، हमने फजीलत दी, तो ونبلوكم بالشر والخير فتنة، हम शर से भी आजमाते हैं, खैर से भी आजमाते हैं, देकर भी आजमाते हैं, छीन कर भी आजमाते हैं, गरीब करके भी आजमाते हैं, पैसा देकर भी आजमाते हैं। सवाल आपसे ये है कि बताओ कि जिस को गरीब बनाकर आपने आजमाया, उसकी आजमाइश बड़ी है, शदीद है, या जिसको बहुत माल देकर आजमाया उसकी आजमाइश कड़ी है? गरीब आदमी को रोटी नहीं मिल रही है, उसकी आजमाइश नहीं। बोलो, गरीब की आजमाइश बड़ी है या अमीर की? बोलो, देखो, गरीब की आजमाइश बड़ी है कि वो बहुत परेशान है और रोटी नहीं मिलती, भूखा है, मगर इसकी आजमाइश की एक्सपायरी डेट है 50 साल, इस वक्त खत्म हो जाएगी।
और अमीर की बड़ी मौज में है मगर उसकी एक्सपायरी डेट भी 50 साल ही है, और 50 के बाद फिर उसका सवाल शुरू हो जाएगा, फिर वो आजमाइश की एक्सपायरी डेट 50,000 साल है और गरीब मौज में होगा वहां, उसकी मौज की एक्सपायरी डेट 50,000 साल। तो वो तो अमीर भी ले जाती है, बराबर बराबर में तब रख लेता कि जब मेरे सामने ये हदीस ना होती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने मेराज वाली रात जन्नत भी देखी जहन्नम भी देखी, फायदा अक्सर अहलिहा अल-फुकरा, ये एंड रिजल्ट है ना जन्नत और जहन्नम। तो मैंने देखा कि जन्नत में अक्सर फकीर लोग, पैसे वाले थे थोड़े थे, तो पास होने वाली रेशो जिसमें ज्यादा हो वो इम्तिहान आसान होता है। और जहन्नम को देखा तो उसमें अक्सरियत औरतों की थी, तो बात सूरत मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों एंड से हैं। अल्लाह ताला ने गरीब को खुद गरीब रखा है, अमीर को खुद अमीर रखा है, लेकिन अल्लाह ने गरीब को बहाल करने के लिए कानून बनाए। मिसाल के तौर पे चार तरीके हैं गुर्बत की बहाली के, बजाय हकीकत में तीन है। नंबर एक सदका, नंबर दो कर्ज हसन, कर्जा हसना यानी बगैर सूद के, नंबर तीन तिजारत में शराकत। नंबर चार जो कि हकीकत में इस्तेहसाल है गरीब का, वो है सूद, सूद पर पैसे दे रहे हैं। सदका जब दे दिया जाता है तो अब 10 लाख रुपए किसी को सदका दे दिया, अब वो उसमें कारोबार करे, नफा है तो भी उसका, नुकसान हुआ तो भी उसका, असल माल भी उसका, सारा कुछ उसका। दूसरा है कर्जा हसना, उसमें वो 10 लाख दिया किसी को कर्जा हसना, वो तैयार करेगा, नफा हुआ तो उसका, नुकसान हुआ तो उसका, और असल माल वापस मालिक का। तीसरा है शराकतदारी करना, गरीब ने मेहनत पेश की, आपने पैसा पेश किया, कारोबार हो गया, मेरे पैसे लो और जाओ मेहनत करो, नफा आधा आधा कर लेंगे। तो अब आपसे एक सवाल है कि एक शख्स को मैंने 10 लाख रुपया दिया और कहा कि कारोबार करो और नफे नुकसान में शरीक होंगे, नफे और नुकसान में शरीक होंगे, उसने कारोबार किया, मेहनत की, बड़ा फायदा हुआ, 10 लाख के 12 हो गए, 12 के 14 हो गए, फिर कोई आफत आई, कोई वायरस आया, कोई मसला हुआ, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग गया, साल खत्म हुआ तो उसके पास सिर्फ 8,000 था। अब वादा मैंने किया था नफे नुकसान में शराकत का, तो आप बताए कि वो कैसे हिसाब होगा। क्या कह रहे हैं 8,000 को आधा आधा बांट लो, शाबाश, सही कहा आपसे। तू बता, नहीं आता तो जिसने पैसा पेश किया उसके पैसे का नुकसान होगा, जिसने मेहनत पेश की उसकी
मेहनत का नुकसान हो जाएगा। तो चलो गरीब मेहनत का नुकसान हो गया, मकरूज तो ही हुआ ना, समझे बात की। तो अब चौथा जो था जिसको सूद पर कर दिया था, 10,00,000 रुपया दिया सूद पर, और उसने क्या किया, उसमें मेहनत की, मेहनत की तो साल के बाद उसके भी 8,00,000 रह गए। तय उससे क्या हुआ था कि 10 दे रहा हूं 12 वापस कर लिया, सूद यही है ना। अब जिसको शराकत में दिया था उसने 8,00,000 वापस किए और अपना मेहनत का नुकसान करवा लिया। इस बेचारे ने 8,00,000 भी वापस किए और मेहनत का नुकसान भी किया और उल्टा 4,00,000 का मकरूज हो गया। तो ये पहले जमीन के ऊपर था, अभी जमीन से नीचे चला गया, और जो 10,00,000 का मालिक था वो उससे ऊपर चला गया। समझ आ रही, 10 के 12 हो गए ना उसके, वो ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूदी मईशत गरीब को गरीबतर करती है और अमीर को अमीरतर करती है। इस मिसाल से बात समझ आई आपको। और इस्लामी मईशत हो सकता है 10,00,000 लेकर उसके 12 हो जाते और दोनों को 1,00,000 नफा आ जाता, हो सकता है 10 के 20 हो जाते और दोनों को 5,00,000 नफा आ जाता, तो उसमें नफे के चांस भी हैं और नुकसान हो भी तो कम अज कम मजदूर कर्जे में नहीं जाता। और सूदी मईशत में गरीब गरीबतर हो जाता है, अमीर अमीरतर हो जाता है। यही इस्लामी मईशत का बुनियादी नुकता है कि वो गरीब को गरीबतर होने से रोकता है, रोकती है, और अमीर को अमीरतर होने से रोकती है। समझ आ रही बात की। बीबीसी की रिपोर्ट है कि इस वक्त अगर दुनिया में टोटल इंसान 100 हो और टोटल दौलत भी 100 रुपया हो, तो एक आदमी के पास 99 रुपए हैं और 99 आदमियों के पास 1 रुपया। इस वक्त सूरत हाल ये है, गुर्बत है, भूख है, बहुत ज्यादा महंगाई है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, सोमालिया में देख लो, बर्मा में देख लो, लोग भूख से मर रहे हैं, फलस्तीन में देख लो हालत खराब है। तो ये जो कैफियत है ये सूदी मईशत की वजह से हुई है। तो जब ये पैसे खिसक खिसक कर पैसे वालों के पास जमा हो जाते हैं सूद की वजह से, तो फिर इस्लाम ने इसका इलाज ये किया है कि उठ अल्लाह के मुजाहिद, जो रिज़्क़ी तहत ज़िल रुमही, अल्लाह ने मेरा रिस्क मेजे के नीचे रखा है। वो जो लोगों का इस्तेहसाल करके पैसे जमा करके ऊपर बैठा हुआ था उसके सीने में नेता उतरता है, वो ढेर होता है, नीचे से माल गनीमत बनता है और फिर मुसलमान उसको गरीबों में बांट देता है। ये है तरीका। और उसके बाद जिहाद से ताकत मिलती है, हुकूमत मिलती है, तो वो इस्लामी मईशत का निजाम कायम करता है जिससे इस्तेहसाल नहीं होता, गरीब गरीबतर नहीं होता, अमीर अमीरतर नहीं होता। कितने तरीके बताए थे बहाली के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये तावर का तरीका नहीं, इस्तेहसाल है। ठीक है, अब आप इस आयत को समझो, यमहकुल्लाहु रिबा वयुर्बि सदकात, के रिबा के मुकाबले में सदका कैसे आ गया। जो सदका था उसमें क्या था, असल भी गरीब का, नफा भी गरीब का और नुकसान भी गरीब का। और सूद में क्या है कि नफा अमीर का, नुकसान गरीब का और असर वाल भी अमीर का, उसके इससे सिर्फ नुकसान आता है।
समझ आ रही। तो वो गरीब के लिए बदतरीन निजाम हुआ और सदके वाला गरीब के लिए बेहतरीन निजाम हुआ, इसलिए अल्लाह ताला ने शायद पे फरमाया ये महकुल्ला रिबा वो ये भी सदका, अल्लाह सूद को मिटाता और सदकात को बढ़ाता है। मैं कई दहाइयां इस आयत को नहीं समझ सका कि रिबा तो बै के साथ आना चाहिए, रिबा सदके के साथ क्यों आता है? अब आप समझेंगे इसको कि सदका गरीब के लिए बेहतरीन है और रिबा गरीब के लिए इस्तेहसार है, उसका हक माना जाता है। तो अब आप देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाते हैं कि फ़इन लम तफ़अलू फ़ादरू बिहब्बि अल्लाह व रसूलिह, ये उन पर आयत नाज़िल हुई कि लोगों को बताएं कि अगर तुम सूद से बाज नहीं आते तो तुम अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग करने का चैलेंज कबूल करो। ये क्या हो रहा है? अल्लाह तबारक व तआला को क्या नुकसान है सूद का? है कोई नुकसान अल्लाह को? किसको नुकसान है? गरीब को। तो फिर अल्लाह गरीब का हमायती हुआ ना, उसकी हिमायत में कानून बनाए ना। फरमाया जो शख्स एक दिरहम सूद का खाता है जानबूझकर वो 36 दफा जनाकारी से बदतर है। दिरहम रिबन याकुलहु रजुल वहु यालम अशद मिन सितदिन व थलाथीन सनिया। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अर्रिबा सितून है या सबून है, अक्सर में सितून और सबून हूबन, सूद के 70 या 60 लेवल है, मुझे भूल रहा है। ऐसा रुहा अय्यात या रजुल उम्मा, इन सूद के जो मर्तबे हैं, एक बदतरीन मर्तबा है, एक थोड़ा हल्का है, जो सबसे हल्का है उसका गुनाह इतना है कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ निकाह करे। इतनी शदीद वईद सूद के खिलाफ, किसकी हिमायत में? गरीब की हिमायत। अच्छा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अन बैय ताम हत्ता, हदीस याद है किसी को? नहा अन बैय ताम हत्ता युकबल, खाने की चीजें कब्जा लिए बगैर बेचना मना है। यह भी कानून गरीब की हिमायत में है। कैसे? बताओ, कब्जा लिए बगैर बेचना मना है, ये किसकी हिमायत में है? गरीब की। अब देखो, एक शख्स गन्ना देता है फैक्ट्री को, मिल को, वो आगे से उनको पर्ची दे देते हैं, तेरी 20 टन चीनी हमारे जिम्मे है, हमारे पास है, ये लो पर्ची और अपनी चीनी ले लो। वो है चीनी 150 रुपए किलो बाजार में, वो पर्ची लेकर किसको कहता है कि मेरे पास चीनी है लेनी है? हाँ, तो आप ना 145 में ले लो, 140 में ले लो, ये लो पर्ची और वहां से जाके ले लो। वो जाकर किसी और ताजर से बात करता है, मेरे पास चीनी 20 टन पड़ी हुई है लेनी? हाँ, आप ना 145 में ले लो। बोले ठीक है। वो उधर पड़ी हुई है, वो तीसरे ताजर के पास जाता है, हाँ भाई तुम चीनी ले लो, 147 में ले लो। वो चलते चलते 160 की हो जाती है और चीनी वहीं पड़ी हुई है। तो ये जो ताजर है इसको पर केजी 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए नफा हो रहा है, जो कि लाखों में जा रहा है। तो इन सब के पैसे तो बढ़ रहे हैं मगर चीनी वहां पड़ी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्जा लिए बगैर नहीं बेच सकते,
फिर क्या करना पड़ेगा? फिर अपना स्टोर लेना पड़ेगा, फिर ट्रक लेना पड़ेगा, किराए पे ट्रक लेने पड़ेंगे, फिर तोड़े लेने पड़ेंगे। तो जिसने तोड़े का धागा बनाया उसका कारोबार चमका, जिसने उसको बुना उसका कारोबार चमका, जिसने ऊपर छिपाई की उसका कारोबार, जिसने उसको सिलाई की उसका कारोबार, जो उसका थोकी है उसका कारोबार, जिसने आगे परचून में बेचे उसका कारोबार, जो गधा रेडी वाला लाद कर लाया उसका, और चीनी के पास आकर जिसने फिलिंग की, जिसने सिलाई की, जिसने ट्रक में लादा, ट्रक वहां से निकला रास्ते में पंचर हुआ, उसका रास्ते में तेल डलवाया, उसका रास्ते में खराब हुआ मिस्त्री का, रोड वालों को टैक्स दिया उसका, अपने स्टोर में पहुंचा उतरवाई का, सफाई का, बिजली खराब थी इलेक्ट्रिशियन का, समझे नहीं, वाइट वॉश करने वाले का, फिर मुस्तकिल पहरेदार रखा उसकी रोटी चली, तो एकदम हिलचुल मच गई। कितने मजदूरों को रोटी मिली इसमें? और अगर ये हदीस ना हो तो बड़ी बड़ी महंगी होती जाएगी, गरीब पर उल्टा बोझ बनेगा, गरीब को महंगी मिल रही है और नफाखोर को मारा पैसे वाला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बगैर कब्जा लिए उसको मत बेचो। तो ये किसकी फेवर में कानून हुआ? गरीब की फेवर में। इसी तरीके से करेंसी के कारोबार को सूद करार दिया, करेंसी के कारोबार में नफा कमाने को सूद करार दिया इस्लाम ने। मार्केट की तीन किस्में होती है, इधर व्हाइट बोर्ड है नहीं, नहीं। मार्केट की कितनी किस्में होती लिखो। नंबर एक मनी मार्केट, पैसे की मार्केट। यानी पैसे से पैसा लेना, दिरहम लेकर दिनार ले लो, दिनार लेकर रियाल ले लो, रियाल से डॉलर ले लो। हाँ हाँ, मनी मार्केट। नंबर दो कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी कमोडिटी। नंबर तीन बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर। कमोडिटी मार्केट ये होती है कि एक तरफ से पैसा, दूसरी तरफ से सामान। जैसे आप दुकान में जाते हो, पैसा देते हो, सामान ले लेते हो। और तीसरी क्या है? बार्टर सिस्टम, बार्टर। इसमें होता है दोनों तरफ से सामान, गंदम दे दो चीनी ले लो, चीनी देकर जौ ले लो, जौ लेकर चने ले लो। थोड़ा पीछे कर दो, चलो बस ठीक। आप सर बोलो। अच्छा अब देखो, तो पहले की मिसाल क्या है? तो जो करो पैसे मार्केट की, तो मिसाल यह है कि आपने 10 करोड़ रुपया लिया जेब में, बैग में, और गए और जाकर 10 करोड़ के डॉलर खरीद कर ले आए। ये क्या है? मनी मार्केट। दूसरी मार्केट क्या है? कमोडिटी मार्केट, सामान की मार्केट। उसका तरीका क्या है कि आप 10 करोड़ रुपया लेकर गए अजनास की मंडी, वहां से आपने गंदम खरीदी, चावल खरीदे और क्या दालें खरीदी, और आप सामान लेकर आ गए।
तीसरी बार्टर में यह कि आप 10 करोड़ की मालियत के बराबर आपने मुख्तलिफ सामान उठाया और मंडी में ले गए और सामान के बदले सामान खरीद कर ले आए, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि किस में ज्यादा हाथ इस्तेमाल हुए, और उससे कम हाथ किस में इस्तेमाल हुए, और उससे कम मनी मार्केट में कितने लोग इस्तेमाल हुए होंगे, 2 या 3, एक पहरेदार होगा, एक वहां उधर बैठा होगा, एक आप। तो इस्लाम ने गरीब की फेवर में मनी मार्केट में पैसा कमाने को सूद करार दिया। और दूसरी दो मार्केटें जिसमें गरीब के लिए नौकरी निकलती है, मजदूरी निकलती है, उसकी ड्रग मत दिलाई। जब आप पहले में पैसा नहीं लगा सकते तो उधर ही लगाओगे ना आप, या सनत में लगाओगे, मशीन लगा लोगे, उसमें भी मजदूर इस्तेमाल होंगे। दलील इसकी क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل। हदीस में 6 है चीजें, गंदम है, जौ है, खजूर है, नमक है, सोना और चांदी, 6। कहते हैं कि कराची में अगर एक दिन की हड़ताल हो ना, दुकानें बंद हो जाए, तो पुरानी बात है, उस वक्त 18 अरब रुपए का नुकसान होता था। तो क्यों नुकसान हो गया, आपका पैसा था आपकी जेब में पड़ा हुआ है, उसका सामान उसकी दुकान में पड़ा हुआ है, नुकसान कैसे हो गया। तो आप क्या करने जाते हो बाजार, कमाई करने जाते हो, कमाई नहीं हो सकी। कमाई कैसे होती है, सौदा होने से, ठीक है। तो अगर सौदा एक होगा तो मसला 18 अरब का फायदा हुआ, और अगर सौदे 2 हुए तो 36 अरब का हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस जमाने में ज्यादा चलने वाली रनिंग आइटम थी ना, उनको रिबोबियात में शामिल किया, जो इंसान की बुनियादी जरूरतें थी। दाल ना भी हो, रोटी तो हो ना, उसके साथ बंदा खा सकता है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खैबर से खजूरें आई अच्छी अच्छी बुखारी शरीफ। आपने फरमाया अकुल्लु तमर खैबर हकदा, खैबर में नकमी खजूर पैदा नहीं होती, हर दरख्त पे नकमी भी निकलती है, हर दरख्त की कोई खजूर है खुश्क हो जाती है। तो ये क्या बात हुई, सब अच्छी अच्छी आ गई। कहने लगे कि हमने ना सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जानी है, तो हमने नकम्मी जो थी ना वो देकर 2 गुना 3 गुना तो अच्छे वाली ले ली, तो फिर हमने यहाँ अच्छी भेजी। आप नाराज हो गए, हमें खबरदार आइंदा ऐसा नहीं करना, ये सूद है। तो जब मेरे पास ईरानी खजूर है जो कि 500 रुपए किलो है, आपके पास अजवा है जो 3000 रुपए किलो है, आपकी भी किलो है मेरी भी किलो है, अब मैं कहता हूं चेंज कर लो, आपको मेरी पसंद है, मुझे आपकी खजूर पसंद है, मगर रब कहता नहीं जायज नहीं, हम राजी हैं दोनों। चलो मेरे पास 10 किलो है, आपके पास 1 किलो है, तो मैं 10 किलो देकर 1 किलो लेने पर राजी हूं, आप भी राजी हैं, लेकिन अल्लाह राजी नहीं है इस पर। फिर क्या होगा नतीजा, नतीजा ये होगा कि मैं आपसे पूछूंगा भाई आपको कौन सी वो चीज है जो दूं तो आप मुझे दे दोगे,
डायरेक्ट तो अल्लाह मना कर रहे हैं ना, ये कहेंगे जी मुझे ना चावल मिल जाए ना तो फिर मैं दे दूंगा, 10 किलो में 1 किलो मेरी खजूर, मैं 5 किलो चावल के साथ दूंगा, मैं अब अपनी खजूर चावल के साथ बेचूंगा तो फिर चावल के साथ इसकी खजूर लूंगा। तो अब अगर मैं डायरेक्ट लेता तो 100 सौदा होता, अब हो गए 200 सौदे। हो सकता है मुझे चावल वाला भोजन मिले, मुझे चने वाला मिल जाए, चने के साथ करूँ, फिर चने वाले को बेच के चावल, वो चावल वाला कहता मैं चने के साथ करूंगा, खजूर के साथ नहीं करूंगा, तो आपको मेरे चने वाले को ज्यादा महसूस करना पड़े, तो 300 सौदे हो गए। तो अगर पूरी मार्केट में जहां एक दिन में 1 सौदा होना था वहां पे 18 अरबों का फायदा होता है, अब 200 सौदे हुए तो, और 3 हुए तो 4 اجناس ہیں اور 2 نقد ہیں، کیا ذہب اور فضہ، یدا بید مصر بمصر، یہاں تک سمجھ آئی؟ وقت ذات میں ہو گیا، یہاں تک سمجھ آئی آپ کو؟ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 2 صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یار مجھے سونے کے دینار کا چینج چاہیے، کسی کے پاس ہے؟ ایک کہتا میرے پاس ہے، لا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے اس کو دینار دے دیے، دینار کے چھوٹے سکے فلس کہلاتے، فلوس، لا بھی مجھے فلوس دے، وہ کہتا ہے حتی یاتی غلامی من القبہ، جنگل میں گیا ہوا بھیجا میں نے اپنے غلام کو، وہ واپس آتا ہے تو وہ نکال کے دے گا آپ کو، اس پہ گھنٹہ لگ سکتا ہے، 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اس نے سونا ابھی لے لیا اور واپس کرے گا اس کو 2 گھنٹے بعد۔ حضرت عمر بن خطاب ان کی باتیں سن رہے تھے تو فرمانے لگے خبردار یہ کیا کر رہے ہو تم، سود ہو جائے گا، یا تو اس کو دینار دے اس کے ٹکڑے، یا اپنے دینار واپس لے دے، یا اس کے ساتھ جڑا رہا تو چمٹا رہا، اس کو چھوڑ کر نہیں جانا، اگر پیسے تو نے آپ لے لیے اور دے اس کو بعد میں رہا سود ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ آئے کیوں سود ہو جائے گا، یدن بیدن مثلن بمثل، ہاتھوں ہاتھ لیٹ نہیں کرنا اور برابر برابر زیادہ نہیں کرنا۔ آپ نے ان کو 10 گرام دیا وہ آپ کو 11 گرام دے رہے تو سود ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی معلوم نہیں کہ اور بھی ہو، لیکن ایک وجہ صاف سمجھ آتی ہے کہ جب آپ کو سونے کے ایکسچینج پر پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا، سونا دیا زیادہ کم لے لیا، زیادہ کم دیا زیادہ لے لیا، کم دیا زیادہ لے لیا، کسی کو بڑے دینار چاہیے اس سے چھوٹے لیے تھوڑے، زیادہ لیے اور تھوڑا دیا اس کو، کسی کو بڑے چاہیے تو بڑے زیادہ لے لیے چھوٹے تھوڑے دے دیے، نفع کما رہا بیٹھا، تو یہ فرمایا سود ہے، سود ہے، لیٹ کرنا بھی سود ہے اور زیادہ کرنا بھی سود ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ربا النسیہ اور ربا الفضل، ربا الفضل۔ تو دونوں باتیں سمجھنے کی ہیں،
جو ربن نصیحہ ہے اس میں بعد میں سمجھاتا ہوں. ربن فضل کیا ہے؟ زیادہ دینا. تو جب سونا سونے کے بدلے زیادہ دینے پر استعمال ہوگا تو لوگ کموڈیٹی میں پیسہ نہیں لگائیں گے, لوگ بارٹر میں پیسہ نہیں لگائیں گے, لوگ منی مارکیٹ میں لگائیں گے پیسہ, اور غریب کی مزدوری رہ جائے گی اور پیسہ چند ہاتھ میں آ جائے گا. سمجھ آ رہی؟ اس لیے منی مارکیٹ میں پیسہ لگا کر نفع کمانے کو سود قرار دیا. یہ ہو گیا ریبن فضل. اب آ جاؤ ریبن نصیحہ, لیٹ کرنے کا سود. اس میں کیا حکمت ہے؟ سبحان اللہ. یہ جو کرنسی چھپتی ہے یہ کرنسی ہے, اس پر لکھا ہوا ہے حامل ہادا کو مطالبوں پر ادا کرے گا. کیا ادا کرے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ اصل یہ تھا, اس کی ایک کہانی سچی کہانی ہے یورپ کی, کہ ایک آدمی تھا وہ سراب تھا. سراب کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس سونا, اس کے پاس سیکورٹی ساری اچھی تھی. تو جو عام لوگ تھے ان کی سیکورٹی کمزور تھی, تو انہوں نے کیا کرنا کہ دینار اس کے پاس پڑا ہے, رات چورا جائے گا, وہ جا کر اس کو کہتا ہے یار دینار میرا اپنے پاس رکھ لو اور مجھے ایک رسید دے دو. وہ لکھتا کہ ہم نے آدا کو ایک دینار مطالبہ پر ادا کرے گا, اور اس کو وہ لگا کے اس کو دے دیتا. کسی کے پاس 10 دینار ہے, اس کو 10 پرچیاں بنا دیتا اور رکھ لیتا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ آپ نے فرنیچر خریدا 1 دینار کا, تو اس کو کہا کہ سودا اپنا ہو گیا, ابھی مجھے 10 منٹ دے, میں پرچی میرے پاس میں جا کر سنار سے دینار لا کر تمہیں دیتا ہوں. تو وہ کہنے لگا وہ فلاں والا سنار نا. بولے ہاں وہی. تو کہتا تو کوئی بات نہیں, میرے بھی اس پر پڑے ہوئے, بس مجھے پرچی دے دے, جا سامان لے جا. اس نے آگے کسی سے لکڑی خریدی, اس کو بھی یہی بات کی, اس نے کہا پرچی دے دے تو جا. تو پرچی ہی گھومنے لگ گئی اور اس پرچی میں لکھا ہوا تھا ہم نے آزاد کو مطالبہ ادا کرے گا. تو جب وہ گھومتے گھومتے پھٹ جاتی تو پھر اس نے اس کو چھپوانا شروع کر دیا, تو وہ چھپ کے ہو گیا نوٹ. پھر یہ ہوا کہ اس نے سوچا یار یہ تو کمال کی بات ہے, میں اپنے ہاتھ سے پرچی لکھوں اور وہ دینار ہو جاتی ہے, اب جہاں چاہو جا کر اسے سامان لے سکتے ہو, کمال کی بات ہے. میرے سائن اتنے قیمتی ہیں کہ میں جس کاغذ پہ سائن کر دوں وہ دینار ہو جاتا ہے. اس نے پھر نہ مختلف پرچیاں لے کے سائن کر کر کے لوگوں کو قرضہ دینا شروع کر دیا اور ان سے سود لینا شروع کر دیا. تو یہ ہوا ہے اس کے ساتھ. 1971 میں فرانس نے امریکہ سے کہا کہ تیرے کاغذ میں لکھا ہوا ہے ہم نے آدھا کو مطالبہ پر ادا کرے گا, تو تیرے ڈالر ہمارے پاس کافی سارے پڑے ہوئے ہیں, یہ لے لو اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں سونا دو. تو 1971 میں اس نے اعلان کیا کہ ڈالر ہے رکھو اپنے پاس, ہم نے کسی کو سونا نہیں دینا, کوئی زور ہونا نہیں باغ. تو یہ رسید ہے سونے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر. جب پرچی کے ساتھ پرچی گھومتی ہے, آپ نے ریال دے دیے میں نے روپے دے دیے, تو اس کا سونا بھی بینک میں اور میرا سونا بھی بینک میں. سونے کا تبادلہ نقد نہیں ہوا, نہ ہاتھوں ہاتھ ہوا اور نہ برابر برابر ہوا. آپ
रियाल लेंगे तो 175 रुपए का मिलेगा, सिर्फ 75 रुपए का, 75 रुपए का मिलेगा। और फौरी तौर पे आप दोबारा उसको कहें कि रियाल दे लो और रुपए दे दो, तो जितने आपने दिए उससे कम मिलेंगे आपको। तो ना हाथों हाथ हुआ ना बराबर बराबर हुआ, दोनों का सोना उधार है, पर्ची घूम रही है, पर्ची का तबादला हो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको क्या बोल रहे हैं? सूद। इसको क्या बोल रहे हैं? सूद। الذهب بالذهب ربا الا ها وها। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल करेंसियां दुनिया की सूदी है। होता क्या है, अगर आपने जो करेंसी होती है ना वो कौमी मिल्कियत होती है या जाती मिल्कियत होती है? आपने पैसा कमाया, सोने का सिक्का दिनार आपने ले लिया, आपने महीना मजदूरी की, आपको उन्होंने एक सिक्का दिनार का मजदूरी के तौर पे, तनख्वाह के तौर पे दे दिया, अब ये कौमी है या आपकी जाती है? हाँ, किसी और का हिस्सा है इसमें? आपने कमाया आपका जाती है। अल्लाह महफूज रखे आपके दिनार पड़े होते, आग लगी घर को, वो पिघल गए, मगर वो वहीं के वहीं है और उनकी कीमत भी उतनी की उतनी है। ऐसे ही मुल्क पर हमला हो गया तो आपका दिनार सस्ता हो जाएगा। हाँ? क्या सोना आपका सस्ता हो जाएगा? वो तो इंटरनेट मार्केट में दाम रहना ना उसने। मुल्क ने कह दिया कि हमने अपने दिनार कैंसिल कर दिए हैं, तो क्या आपका कैंसिल हो जाएगा? यह है आपकी जाती मिल्कियत। किसी के कुछ करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पेपर करेंसी है ये प्रोग्राम कहते मैंने कैंसिल कर दी तो जीरो हो गई, वो कहते मैंने सस्ती कर दी तो सस्ती हो गई, तो घर को आग लग गई तो जीरो हो गई। मुल्क की मईशत कमजोर है लिहाजा नोट सस्ता करो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। बोलो इन्फ्लेशन। ये इसको इफरातज़ा भी कहते हैं कि अब आपके पैसे जो है ना वो सस्ते हो गए। इमरान के जमाने में डॉलर 155 का था, फिर हो गया 230 का, तो मतलब जिसके जेब में 300 रुपया पड़ा हुआ था ना पहले इमरान के जमाने में, वो अब 200 रह गए, सो जाता ना चोरी कर ले, देखने में ऊपर 100 ही लिखा हुआ है, 1000 ही लिखा हुआ है, मगर वो है 200 के बराबर, 300-200 के बराबर। जब रुपया सस्ता हुआ तो चीजें महंगी होगी, महंगाई नहीं होती, पैसा सस्ता हो जाता, चीज महंगी नहीं होती। कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है और कहत आ गया है तो डिमांड बढ़ गई है तो चीज महंगी हो जाती, वरना रूटीन में चीजें अपनी जगह पे रहती है। रुपया सस्ता हो जाता है। रुपया सस्ता क्यों हो जाता है? कि ये असली नहीं है, कागज का है। अगर सोने का होता तो वो सस्ता नहीं कर सकते थे। तो अब ये सूद है जिसकी वजह से सारा मुल्क परेशान है, और अब वो कहते हैं कि तुम फला जमात को बंद करो वरना तुम्हें किस्त नहीं देंगे, फला हाफिज साहब को बंद करो वरना तुम्हें किस्त नहीं देंगे। जमात इस्लामी के अमीर साहब का नाम क्या? वो कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत थी एमएमए की,
फाइनेंस मिनिस्टर था तो हम मिले IMF वालों को कि आप हमें किस्त दो हमारे खर्चात हैं। तो वो अंग्रेज कहता है पहले तुम ये बताओ कि ये जो तुम्हारे पेशावर के रोडों पे नंगी लड़की की तस्वीर वाले इश्तेहार थे वो तुमने क्यों उतारे। तो मैंने उसको कहा तो तुम्हारा से क्या ताल्लुक है, हमारा मुल्क है हमारी सकाफत है और वो हमने उतार दिए। तो कहा नहीं भाई पैसे लेने होंगे तो सकाफत भी लेनी होगी, पैसे लेने होंगे हमसे तो दीन भी हमारा चलेगा, तुम्हारा दीन मना करता है हमारा दीन नहीं करता वही बात पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये सस्ता करो, वो कहते हैं तुम अपनी मादरियात नहीं निकाल सकते, जगह जगह जी गैस निकल आई जी तेल निकल आया इस्तेमाल नहीं कर सकते तुम हमारे मकरूज हो। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए कि ये जमीनें उनको गिरवी दी हुई है। वो कहते हैं हमारी है। तो वो कहते हैं रुपया सस्ता कर दो हो जाता है, क्यों हो जाता है, इसलिए कि कागज का है सोने का होता तो नहीं होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा कर कि सोना बदले सोने के हाथों हाथ और प्रॉपर प्रॉपर पेपर करेंसी की जड़ काटती और आज मईशत की तमाम बीमारियों का सबब पेपर करेंसी है। उससे बाद आप पेपर से आगे प्लास्टिक करेंसी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड शुरू हो गए, उसके बाद आप मजीद कहते हैं जी मोबाइल से इतने पैसे उधर उतने पैसे उधर, प्लास्टिक की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद मजीद जनाब क्रिप्टो करेंसी बनाओ, ये सब सूद की लेयर्स है। ये वो रास्ता है जिसमें मुसलमान कभी भी नहीं बच सकता, बचना है तो वापस आना पड़ेगा। तो जितने भी कायदे कवानीन बनाए वो गरीब की हिमायत के लिए बनाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम का मईशत का निजाम कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी किताबें लिखनी पड़ती हो, जो पहले से मईशत चल रही थी उसी को कंटिन्यू किया, हत्ता कि आपने अपने दिरहम और दिनार भी नहीं मिंट करवाया, वही जो चल रहे थे चलते रहे, परवाह नहीं है। पाबंदियां हैं, ये नहीं करना, धोखा नहीं देना, कमी तोड़ना, झूठ नहीं बोलना, मिलावट नहीं करनी और कब्जा किए बगैर नहीं बेचना और हाथों हाथ होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्यों? नफा ना कमाओ सोने में, फायदा इसका फायदा क्या होगा कि जब सोने में नफा नहीं आ रहा, बड़ी मार्केट में नफा नहीं आ रहा तो पैसा किधर जाएगा, कमोडिटी मार्केट में पैसा जाएगा, बार्टर में जाएगा, तो उधर से लोगों की नौकरियां निकलेगी तो गरीब बाहर हो। हमारे हुक्मरान ये करते कि बैंकों को खूब तगड़ा करो, मजबूत करो, हर पैसा बैंक के थ्रू होना चाहिए, इसको मजबूत करो और फैक्ट्रियां बंद होती तो हो और बाद में इनको रमजान पैक दे दो, कोई एहसास प्रोग्राम दे दो, कोई बेनजीर प्रोग्राम दे दो, यानी इनको कहो ऐसे करो हम थोड़ा सा ऊपर रख देंगे, बेकार होकर घर बैठ जा, मैं आऊंगा थोड़ा सा दे दूंगा, उतना सा सामान ले लेना। इस्लाम का नजरिया ये कि नहीं, पैसा मनी मार्केट से निकालो, बाजार में फेंको, फैक्ट्रियां चले, मार्केटें चले, गरीब के लिए नौकरी निकले, वो अपनी हड्डियों को हिलाए और कमा कर खाए, वो तेरे सामने के बाद गलत। ये इस्तेहसाली निजाम है, ये मईशत की गुलामी है कि उसको मनी मार्केट को मजबूत करके उसको अपाज करके उसकी फैक्ट्रियां बंद हो जाए और वो बेकार हो जाए और फिर तेरे पीछे पीछे फिरे और तू उसको 2000 रुपए दे और तुझे वोट दे और तू फिर अय्याशी करे। ये तरीका है जो सलूक काफिर मुसलमानों के साथ करते हैं, वही है मुसलमान वडेरे
गरीबों के साथ। अल्लाह मुस्तान। तो बात सूरत मईशत का, जो मुसलमानों की मईशत की बुनियाद है वो ये गरीब की बात है। गुरबत खत्म करना नहीं, कामत तक गुरबत खत्म नहीं होगी, क्योंकि रब ने रखी है। गुरबत खत्म हो जाएगी तो दुनिया तबाह हो जाएगी, गरीब खत्म नहीं हो सकता। हाँ, उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको बहाल किया जा सकता है। वल्लाहु आलम, صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد। किसी का सवाल तो कर सकते हैं, वही जो पेपर की ना वो जायजा लेते। देखो लेना तो पड़ेगा ना, जब आप पर मुसल्लत है निजाम तो आपको करना पड़ेगा, वरना आप भूखे बैठे रहोगे। वो डबल सूद है, इस वक्त हम सब गिरफ्तार है इसमें, मगर मजबूर है। अगर हम सारे डॉलर सेव करने लग जाए तो उनको कमाने की क्या जरूरत है? उन्होंने पेपर पे लिख दिया डॉलर, उनका पेपर तो डॉलर हो गया। रिबा का बह से ताल्लुक तो वाज़े है ना, अहल्लल्लाहु बै वहर्रम रिबा। वो कहते हैं कि जिस तरह सामान खरीदने से नफा निकलता है तो सोना चांदी सिक्का लेने से भी नफा निकलना चाहिए। अहल्लल्लाहु बै वहर्रम रिबा, अल्लाह ने सामान की तियात हलाल कर दी और जो करेंसी के कारोबार का नफा हराम कर दिया, ये क्या बात है? वो किस्तों का कारोबार तो इसके बाद है ना, ये बुनियादी तौर पर जिस रुपए से खरीदना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद किस्तें हुई वो देखो, उसमें कच्चे और माँ का इख्तियार है। लेकिन इस बात को समझो कि जो शख्स, मैं मतलब कहता हूँ, आप मोटरसाइकिल है 2 लाख का, ठीक, तो अगर आपसे कहा जाए कि ये नकद 2 लाख है और अगर आप किस्तों पे करो तो 2.5 लाख है, तो अगर मैं आपको 2 लाख दूं और आप साल बाद मुझे दो तो मैं 2.5 लाख मांगू, तो ये सूद है। अगर मैं दुकानदार को, मोटरसाइकिल वाले को 2.5 लाख दे, 2 लाख दे दूं मोटरसाइकिल का और वो मुझे वापस दे दे कि तुम मुझे साल बाद देना 2.5 लाख देना, तो सूद है। पैसा लेट होने पर ज्यादा होना यही तो सूद होता है। आप वाहड़ा का बिल लेट करते हो ज्यादा हो जाता है, सूद है। तालिबान की फीस लेट हो जाए तो ज्यादा हो जाती है, सूद है। ऑनलाइन शॉपिंग में सर ये ऑप्शन होता है कि अगर आप अभी पेमेंट करेंगे तो 600 है, लेकिन अगर आप ऑर्डर पे जब ऑर्डर रिसीव करेंगे तब पेमेंट करेंगे तो 50 रुपये आपको ज्यादा देने पड़ते हैं या जितनी दिन के। देखो वो तो और चीज है ना कि आप घर बैठे मंगवा रहे हैं तो